आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न के बारे में। भिन्न यानी फ्रैक्शन। भिन्न होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, हम उसकी तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है उसी के बारे में हम बात करेंगे, और जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे सिलेबस का, ठीक है। चाहे आप टैट के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न क्या होती है, इसके बारे में बात करें। तो भिन्न या फ्रैक्शन जो है, कोई भी नंबर, एनी नंबर, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हमने फॉर एग्जांपल 2 अपॉन में 3 लिख दिया, 5 अपॉन में 2 लिख दिया, या 2 अपॉन में 5 लिख दिया। इस तरह से कोई भी नंबर हमारा जो है p अपॉन में q ही। और ध्यान रखना होता है यहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी जो नीचे वाला है ये 0 के इक्वल नहीं होगा। और साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए, नीचे वाले को बोलते हैं हम हर हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हम डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। और ऊपर वाले को बोलते हैं हम हिंदी में अंश, अंश, और इंग्लिश में न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा भिन्न क्या है। भिन्न एक ऐसा नंबर जिसको हम पी अपन में क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे जो नीचे वाला है हर या डेनोमिनेटर वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, वो हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। अब फ्रैक्शन को हम तीन पार्ट्स में देखो, अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप कितने होते हैं फ्रैक्शन के, जो हमारे सिलेबस में है उसी के वैसे प्रकार तो बहुत होते हैं। तो यहाँ पे हम तीन की बात करने वाले हैं। एक जो होगा हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम हिंदी में उचित भिन्न, उचित भिन्न। एक होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोल देंगे हम अनुचित भिन्न। और एक हो जाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको बोलेंगे हम मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न हो जाएगी एक हमारी। तो अब ये होती क्या है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ऐसे फ्रैक्शन होते हैं या भिन्न होती है जिनमें जो ऊपर वाला जो होता है जैसे नोमिनेटर या अंश वो छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें, जैसे मैं बता रहा हूँ पहले पी और क्यू है, तो जो पी है वो क्या होगा, छोटा होगा हमेशा क्यू से, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल 2/5, यानी ये जो अंश है वो छोटा होना चाहिए, और हम ले लेते हैं 3/6, 9/13, तो यानी ये देख रहे होंगे आप छोटा है इसमें ना, तो ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे होंगे, यानी ये तो होंगे फ्रैक्शन ही, लेकिन यहाँ पे जो है क्या होगा, ये ऊपर वाला जो है अंश या न्यूमरेटर वो बड़ा होता है, ठीक है। ये अब एग्जांपल ले लें हम, तो हमारा हो जाएगा जैसे 13/12 लिख दिया मैंने, 5/2, 7/3, यानी इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप बना सकते हैं ना, यानी जिसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा होगा अंश। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर पढ़ लिया, इम्प्रॉपर पढ़ लिया। मिक्स फ्रैक्शन आपने देखे होंगे, कुछ फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं, यानी उसमें होल नंबर भी आता है, पूर्ण संख्या भी और फ्रैक्शन भी, जैसे 2, 3/4 इस तरह से, और 7, 4/6 फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप हो जाते हैं, पहले हमने पढ़ा भिन्न क्या होती है, उनके टाइप पढ़ लिए। अब पेपर में जो पूछता है हमें वो क्या पूछता है, कंपैरिजन पूछता है, कि कई सारे भिन्न दे देता है, उनका कंपैरिजन करो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी पूछता है वो हमारे आते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन की। अब हमारा टॉपिक जो है कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना अभी हम बात करेंगे, खाली जो उचित भिन्न है उसकी हम बात करेंगे। उचित भिन्न जो है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर फ्रैक्शन में उसमें कैसे तुलना होता है। जैसे आपके एग्जांपल में दे देता है, जैसे कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, जैसे 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, और 1/5। अब कह रहे हैं इन तीनों की तुलना करें, और इन्हें क्या करना है,
बढ़ते क्रम में या असेंडिंग ऑर्डर में लगा। तो देखो जैसे कि हमें पता है नीचे 5 आ रहा है, तो क्या होगा, पहले सबसे छोटे वाला, तो अगर नीचे के डेनोमिनेटर या हर सेम है तो ऊपर वाले हमें नंबर देखने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, 1 आता है छोटे में, तो पहले सबसे छोटा जो हो गया 1/5, उससे बड़ा क्या होगा 2/5, ठीक है, उससे बड़ा क्या होगा 3/5। तो इस तरह से जो है हम इसको लगाते हैं पढ़ते क्रम में, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में। अब ये हो गया एक तरह से, और यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं सेम डेनोमिनेटर वाले, है ना। और फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, अब ये क्वेश्चन है, जैसे ये हमें दिया हुआ है, इस तरह से आपको भी देगा, यहाँ पे देख लो ये हर जो है सेम है, बाकी जो अलग थोड़े टफ वाले क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में करेंगे। तो कह रहे हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या घटते क्रम में लिखे, तो घटते क्रम में नीचे वाले सेम है तो हमें क्या देखना है, ऊपर वाला नंबर, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बड़े वाला, तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमें कौन सा देखना है, 9 आ रहा है, तो 9/10 जो है सबसे बड़ा होगा, उसके बाद जो है ये 8/10, उसके बाद ये 5/10, और उसके बाद ये जो आएगा 3/10, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा, 4 ऑप्शन आते हैं आपके पेपर में भी। अब ठीक है, अगले यहाँ तक हमने ये बात कर ली कंपैरिजन की, समान भिन्न वाले अभी हमने करें प्रॉपर के, अभी इनके भी कराऊंगा मैं आपको ना अगले वीडियोस में। तो वीडियो को देखते रहें, अगले भी देखना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।